परिस्थिति में 200 लड़के लोग घेर ले और 200 लड़के जाकर बोल रहे हैं कि हम ट्रेन रोकने जा रहे हैं। तो मैंने बार बार बच्चों से कहा कि आप ट्रेन रोकने जा रहे हैं जाइए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में न पटरी तबारेगा न ट्रेन में आग लगाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और मैंने अहिंसा अहिंसा चिल्लाता रहा। जिनकी पटना पुलिस को तलाश है, इन पर अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए छात्रों को उकसाने का आरोप है। दानमपुर में हिंसक प्रदर्शन मामले में एक वीडियो के आधार पर गुरु रहमान के खिलाफ पुलिस ने दानमपुर में केस दर्ज किया है। पुलिस को वीडियो में रहमान युवाओं को भड़काते नजर आए हैं। केस दर्ज होने के बाद सोमवार को पटना पुलिस ने भी कोचिंग संचालक शिक्षक AM रहमान के घर और संस्थान में छापेमारी की, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिले। पुलिस उनके कदम कुआ थाना इलाके के जगत नारायण रोड स्थित आवास गई थी। SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि दानापुर में बवाल के दौरान कुछ उपद्रवी लड़के पकड़े गए थे। उनके मोबाइल में वीडियो मिले थे, उसमें रहमान केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ पर ट्रेन रोकने और गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक आंदोलन करने की बात करते दिख रहे हैं। रहमान पुलिस के साथ ही आयकर विभाग के भी निशाने पर हैं। इसी कड़ी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी रहमान के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस का दबाव बढ़ता देख रहमान मंगलवार को मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या सफाई दी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है गुरु रहमान जिन पर हिंसा के लिए छात्रों को भड़काने का आरोप है। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि गुरु की उपाधि मुझे AVG अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, तब से मैं गुरु रहमान के नाम से जाना गया। और मैं स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहता हूँ कि डिफेंस की मैं तैयारी नहीं करा था, किसी भी दृष्टिकोण से डिफेंस की तैयारी नहीं करा था। सब इंस्पेक्टर की तैयारी मेरी यहाँ होती है, BPSC की होती है, UPSC की होती है तैयारी। तो ये अग्निपथ का विरोध मैं इसलिए कर रहा था कि सारे के सारे बच्चे विरोध कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आया था कि है क्या, और इसको समझाने का भी प्रयास नहीं किया गया था। तो मैं अग्निपथ का विरोध कर रहा था, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी भी माध्यम से, यानी लगभग 60 बाइट मैंने दिया है, 60 बाइट में हर बाइट में मैंने बच्चों से केवल और केवल एक बात कही है कि आप अहिंसा के मार्ग को अपना है, अहिंसा के बल पर देश आजाद हो सकता है, तो आपकी अग्निपथ वापस क्यों नहीं हो सकती है। अहिंसा 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 मैं चिल्लाता रहा। हाँ, एक वीडियो आया था इसमें, जिसमें करीब 70-80 बच्चे जो बहुत कम उम्र के 16-17 साल के बच्चे आके हमको घेर लिए, बोले कि आप कुछ कीजिए, हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकला कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं, रेल रोकिए क्योंकि आपकी जिंदगी रुक गई है, लेकिन आप किसी प्रकार की पटरी कबारना या रेल में तोड़फोड़ करना, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा और आप किसी भी तरह की नौकरी से वंचित हो जाएंगे। रही बात व्हाट्सएप चैट करने की दानापुर से, तो दानापुर गए हुए हमको 6 साल हो गए और किसी भी तरह का व्हाट्सएप चैट होगा तो साइबर के हाथ में है कि साइबर आके चेक कर ले कि व्हाट्सएप में। हाँ, मैं 1994 से स्वयंसेवी हूँ, स्वयंसेवक हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की विश्व का प्रथम मुस्लिम हूँ जिसने अपना संपूर्ण शरीर का निजी देहदान के तहत माननीय पूजनीय मोहन भागवत जी के समक्ष मैंने अपना डोनेट कर दिया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की 43-44 साल की उम्र में मैंने अपना ब्लड दिया है, और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कराने वाला व्यक्ति मैं हूँ, और जब देश के लिए जीने मरने की बात होती है तो मैं आगे रहता हूँ। तो वैसी परिस्थिति में अगर मुझे विलेन बना के अगर कोई मेरा दुष्प्रचार करना चाह रहा है तो निश्चित रूप से यह गलत है, इसको मैं किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। भारत माँ मेरी माँ है और माँ के लिए जीना मरना मेरे एक हाथ की चीज है। मैं भारत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा की बात नहीं कर सकता। और रही बात कि 60-60 बाइट है, 60-60 बाइट में आप उठाइए, उठा के दिखाइए कि कहीं भी मैंने एक बार भी हल्का सा भी हिंसात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो किसी भी तरह की सजा भुगतने के लिए गुरु रहमान तैयार था, है और रहेगा। सारण जिले के बसंतपुर में 10 जनवरी 1974 को जन्मे गुरु रहमान ने अपनी प्राथमिक शिक्षा डेहरी ऑन सोन से ली थी, फिर स्नातक BHU से किया। वहां उन्होंने प्राचीन इतिहास में स्नातक और पुरातत्व में मास्टर्स की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने छात्रों की कोचिंग देने के साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना शुरू किया। उन्हें UGC की ओर से बेस्ट शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका है। गुरु रहमान ने 1997 में ऋग्वेद, कालीन, आर्थिक और सामाजिक विषय पर शोध किया।
गुरु रहमान ने 1997 में अमिता नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। शादी के बाद घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया और उसके बाद ये अलग रहने लगे। वे पटना के नया टोला गोपाल मार्केट में साल 1994 से अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम से कोचिंग संस्था चलाते हैं। वे छात्रों से फीस के रूप में सिर्फ 1,12,151 से लेकर 1,000 रुपए ही लेते हैं। महज 11 रुपए की फीस में छात्रों को पढ़ाने वाले गुरु रहमान का नाम बिहार के हर छात्र की जुबान पर है। रहमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादी भी कराई है। वो हजारों छात्रों को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल करा चुके हैं। वो कई छात्रों को पढ़ाकर IAS, IPS और दरोगा भी बनवा चुके हैं। गुरु रहमान ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी बेटी अदिति के नाम पर 2010 में गुरुकुल की नींव रखी। वे अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय भी खोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने गुरुकुल में वेद की शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी मतलब लाचारी नहीं, बल्कि गरीबी मतलब कामयाबी होती है। गुरु रहमान की प्रतिष्ठा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत भी सम्मानित कर चुके हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन मामले में पटना में अभी तक 190 गिरफ्तारी की गई है। 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिनमें 6 कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। जिन कोचिंग पर केस हुआ है उनमें यथार्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौड़ी, DDS कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौड़ी, आरक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौड़ी, आसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौड़ी, टारगेट कोचिंग मनेर और निरंजन कोचिंग दानापुर शामिल है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।